काम है, घटना घटी उस दिन आपस में किया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमारी एक विधायक के बारे में कहा कि जो प्रिंसिपल है उसको उन्होंने बचाने का काम किया, उन्हें घर पंचायत हुई। तो इस मामले में मैं तो था नहीं, हाई कोर्ट को किया उन्होंने, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने उनको दे दिया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। लेकिन ये पहला वकवा है ऐसा जो आपस की बात, विधानसभा की बात किसी हाई कोर्ट के रेफर की। हमने कहा हम मांग करते हैं हाई कोर्ट की होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, शुरू से लेकर इस व्यक्ति की शुरू से होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा में आपस में हो उसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा है तो हमने इंक्वायरी से हम नहीं होते, हम चाहते इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। इस वास्ते टर्म ऑफ रेफरेंस दो दिए हमने, एक तो ये कब DDR कटा है, तारीख उसकी, DDR की कॉपी, और उन्होंने अलर्ज किया है गीता जी ने बचाने का काम किया, उनके घर पे मीटिंग हुई, कब हुई, कौन सी तारीख को हुई, हुई या नहीं हुई, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगी। इसके अलावा सारे एपिसोड की इंक्वायरी वहाँ हो जो इस प्रिंसिपल के खिलाफ। और इस समय मैंने कहा था हाउस की गरिमा रखते हुए, मगर ये फॉल्स एलिगेशन है, आप इसको विड्रॉ कर दें ताकि हाउस की गरिमा रहे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमने फैसला किया हमारी पार्टी ने, प्रिविलेज मोशन हमने मूव कर दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, प्रिविलेज कमेटी में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अब प्रिविलेज कमेटी में जाएगा मामला, और वहाँ आप स्वयं देखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा DDR पहले करी 2005 में इसका ये सरकारी नौकरी में नहीं था, 2011 में कहा, 2011 में गीता जी का मकान ही नहीं बना था वहाँ, तो बहुत सारे फैक्टर सामने खुल के आ जाएंगे, दूध का दूध पानी हो जाएगा, और ये अच्छी प्रथा नहीं है झूठे फॉल्स एलिगेशन लगाना। ये इसमें जो ये आपने कहा कि प्रथा तो एक अलग, लेकिन जैसे सुप्रीमेसी की बात आती है इसमें आपत्ति क्या है, मतलब आपत्ति नहीं, हाउस इज सुप्रीम, हाउस इज सुप्रीम, आपस में बात वैसे भी आप देखें तो हाउस में होती है बात, उसकी आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं, ये हाउस की प्रिविलेज है हाउस का। मेरे को याद है स्पीकर जो थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं किया था, यहाँ पे इनको समन किया स्पीकर साहब को, हमने किया कहा कि नहीं कर सकते, नहीं गए। सर प्रिविलेज मोशन में क्या कहा गया है, क्या है उसका? यही कहा गया है कि फॉल्स एलिगेशन लगाए ये। सर दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है, आज के मैं करेक्ट करता हूँ, 2012 दिसंबर की बात है, करेक्शन तो बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन 2011 इन्होंने कहा रिकॉर्ड है, तो 2012 हो 2011 हो सवाल इस बात का है कि 2011 का उन्होंने कहा DDR की कॉपी दे और इस बात के सबूत दे कि गीता जी अगर मीटिंग हुई, सवाल महामारी का टर्म ऑफ रेफरेंस यही है, और वो इनको भूखी खानी पड़ेगी। वो कह रहे कि मैं अपने अपनी बात पर कायम हूँ, कांग्रेस डर रही है। गीता भी अपनी बात पर कायम है कि उनके घर कोई मीटिंग नहीं, उस व्यक्ति को नहीं जानती, इसी वास्ते हम प्रिविलेज मोशन दिया है। मतलब आपकी जो आपने मांग उठाई थी बाद में चैम्बर में बुलाया था क्योंकि 15 मिनट के लिए स्थगित हुई, उस दौरान क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो अभी इस बात पे एनामेंट ये थी हम हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे ही करवाएंगे, वो तो जिनकी वो है, हमारे को कहीं इसमें नहीं था, मैं तो हाउस की गरिमा के लिए कहता, मैं तो चाहता हूँ दूध का दूध पानी हो जाए, हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए। तो ये जो
ये हिंदुस्तान में पहली दफा होगा कि विधानसभा की चर्चा बहुत बारी होती है आपस में वो किसी हाई कोर्ट के रेफर के। ये सर ये सारी डिबेट का हालांकि आपने कहा कि उस दिन नहीं थे ये जो हुआ ये लड़कियों के अपहरण वाला मामला जो था ये क्या मतलब जैसे गीता जी का नाम लिया नहीं ये शुरू से हमने कहा था जब ये इंसिडेंट हुए भाई इसकी हाई कोर्ट के जज सिटिंग द्वारा जांच की जाए उस इंसिडेंट की जांच की जाए जो सरकार की नाकामी है उसकी की जाए। लेकिन क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने व्यक्तिगत फॉल्स एलिगेशन लगाया है उस बात के लिए कि ये रेफरेंस देना ठीक नहीं था इसी वास्ते हमने प्रिविलेज मोशन दिया है। सर ऐसा लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को ऐसा उनके हिसाब से कि अब तो आ जाएगा अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा प्रिविलेज मोशन दिया हमने। सर अब तो आप दे दो वो गीता जी ने कहा मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ दुष्यंत एफिडेविट तैयार नहीं है। विधायिका की सुप्रीमेसी की जो बात हो रही है पंजाब ने जो है अपनी विधानसभा के अंदर SYL के ऊपर बिल पास किया उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उसके बारे में क्या कहेंगे विधायिका? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है उच्चतम न्यायालय है वो उसमें रेफरेंस था उसका रेफरेंस था जब पंजाब ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसकी एब्रोगेट किया वाटर एग्रीमेंट को उस समय राष्ट्रपति मैं सांसद था राष्ट्रपति से रेफरेंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के क्या पंजाब कर सकता है एब्रोगेट नहीं कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आ गई थी पंजाब नहीं कर सकता अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया अब वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। दूसरी बात शॉर्ट टर्म डिस्कशन तो ये जो हुआ है जो उन्होंने काम किए गए हैं उसके लिए मांग थी उसके लिए हाईकोर्ट की थी जो बात मैं कह रहा हूँ विधानसभा में जो आपस में हुई उसके लिए। अभी तक जो विधानसभा में मैक्सिमम देखा गया प्रिविलेज मोशन का कोई आगे से आगे तड़पता रहता कोई उसका वो तो आता नहीं है प्रावधान तो यही है हमारे पास जब कोई मतलब संविधान में उसमें परिवार जो है प्रावधान यही है प्रोविजन यही है कि ऐसा कोई कहे तो प्रिविलेज मोशन में लाया जाता है। प्रिविलेज मोशन में बहुत सारे आए हैं लोकसभा में बहुत सारा को हुआ है अब ये थोड़ा ये हमने तो हरियाणा विधानसभा जो 10 MP एक्सपेल हुई थी हाँ हुई है दिल्ली में तो हुई है प्रिविलेज मोशन में हुई है यहाँ पता नहीं कौन लेके आया कौन लेके मैं तो लेके आया नहीं लेकिन पहली दफा हमारी पार्टी ने मूव किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।